नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव का अब दंगल अपने चरम पर है और आने जाने का लगातार काम जारी है। इसी बीच सभी पार्टियां उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी हैं और अब उम्मीदवार अपने कार्य क्षेत्र में जनता के सामने हैं। इसी बीच अब ये बात कही जाने लगी है कि किसका उम्मीदवार कितना पैसे वाला है और किसके पास सबसे कम पैसा है। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है कि सभी उम्मीदवार अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं। उसी कड़ी में एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया है जो यूपी की राजनीति में सबसे अलग है। जी हां, इसलिए यूपी में आगरा की एक सीट काफी सुर्खियों में है। सीट का नाम है बाह विधानसभा सीट। ये भदावर की महारानी है, नाम है पक्षालिका सिंह। बाह से बीजेपी के उम्मीदवार हैं पक्षालिका। 2017 में बाह से विधायक बनी। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की पत्नी है पक्षालिका। घोषणा पत्र के अनुसार रानी के पास 132 हथियार हैं। दो पिस्टल, दो बंदूक, एक राइफल, एक कार्बाइन के अलावा 34 तलवारें हैं, 8 चाकू, 31 डैगर और 53 छुरे हैं। एनपीबी राइफल, एक पिस्टल और एक बंदूक है। 2020 से 2021 में पक्षालिका ने 4,71,190 रुपए का आयकर भरा। तो जान लिया आपने यूपी की रानी और बीजेपी के उम्मीदवार की ताकत। बाह में इनका अपना सिक्का चलता है और इलाके में इनके बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है। वैसे तो आगरा मोहब्बत का शहर है क्योंकि शाहजहां ने आगरा में ही दुनिया की सबसे बेशकीमती नायाब नमूना ताजमहल दिया, जो मोहब्बत के दीवानों की पहचान है और आज भी करोड़ों मोहब्बत के दीवाने इसे देखने खींचे चले आते हैं। लेकिन इस वक्त यूपी विधानसभा चुनाव में शाहजहां के मोहब्बत से ज्यादा आगरा के बाह विधानसभा की चर्चा है। भदावर राजघराने का सियासत में काफी चर्चा रहा है। कभी पक्षालिका और उनके पति अरिदमन सिंह समाजवादी पार्टी में रहा करते थे और मुलायम सिंह और अखिलेश के काफी करीबी माने जाते थे। राजा साहब समाजवादी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में रिश्तों की अहमियत कम होती है। यही कारण था कि 2017 में राजनीति में हवा का रुख भांपते हुए पक्षालिका और अरिदमन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव जीत लिया और अब एक बार फिर चुनाव मैदान में है। रानी पक्षालिका के बारे में बाह विधानसभा के लोग कई नामों से पुकारते हैं। उनमें एक नाम है बीहड़ की रानी। रानी को विश्वास है कि बीजेपी एक बार फिर यूपी में सत्ता हासिल करेगी क्योंकि योगी सरकार ने विकास किया है और हम तो अपने क्षेत्र में विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। जानकारी देते चले कि इस बार तो इन्होंने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन जिस रानी के पास अपने इलाके के थाने से ज्यादा हथियार हो और इलाके में ये घराना अपने हथियारों के लिए जाना जाता है, इस बार भी आगरा में बाह की काफी चर्चा है और पक्षालिका एक बार फिर बाह से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि विकास की गंगा बहाने वाली रानी को बाह की जनता रानी बनाती है या नहीं।